बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। परवरदिगार रहम टीवी को दिन रात जुगनी तरक्की दे और हजरत जी को लब सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे और जालिमों के जुल्म से, अदावत से और हर किस्म की हादसे उनसे बचाए। हजरत जी, मेरा मसला जो है मेरी सिस्टर का है, उनसे उनका और उनका बेटा है 3 साल का, तो उनसे लोग जादू टोना कहते हैं जिसकी वजह से माँ बेटे दोनों हमेशा बीमार रहते हैं। मेडिकल्स करवाते हैं लेकिन उसी वक्त का होता है, फिर दूसरा बीमारी आ जाती है, फिर कोई और बीमारी आ जाती है, तो ये 3-4 महीने से मुसलसल ऐसे ही चल रहा है। तो आप इस तरह कुछ बताएं कि उनके पर ये जो बीमारियां हैं उनकी खत्म हो जाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप उनको हम सबके लिए दुआ करें और उसी तरह पर मेरी बहन सायना के लिए कि अल्लाह को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी बीमारियां खत्म हो जाए और हमें दुआ में याद रखें, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, समीना कराची पाकिस्तान से कॉल कर रही है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल हों। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह रूह बसीत होकर अभी आपके सामने हूँ। ज़ाहिर है कि 3 हफ्ते का नागा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ अलील रहा, क्योंकि मैं कल भी के प्रोग्राम में मैंने कहा कि खांसी ज़ुकाम नजरा कौमी निशा हमारा, तो बस ये है कि मौसम बदला ऐसा, तो ऐसा अटैक हुआ कि वो इसी के अंदर मुबतला रहा। लेकिन अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक अब तब भी बेहतर है, तो इसलिए आज आपके सामने आ गया हूँ और आप हजरात भी दुआ मजीद करते रहें ताकि अच्छी तरह कामिल सेहत नसीब हो जाए। बाकी आप हजरात की सेहत और सलामती के लिए भी मैं दुआ गो हूँ। और बाकी ये बीमार जो हैं उनके लिए नोट कर लें, सूरह फातिहा पढ़ना है 41 टाइम, बिस्मिल्लाह मिला के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह करके आमीन तक जो 41 टाइम पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के जो उन बीमारों को पानी दब करके पिलाएं, उनके ऊपर फूंक दें, तो ये 21 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक वताला हर तरह की बीमारी से महफूज रखेंगे और शिफा कुल्ली नसीब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।